दोस्तों स्वागत है आप लोग का मास्टर माइंड ऑफ जी में इस वीडियो में फिर से हम लोग देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट तीन ठीक है फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया था फ्रेंड्स की एक प्रैक्टिस सेट और आप लोग को प्रोवाइड करूंगा तो इसमें टोटल कितने प्रश्न है फ्रेंड्स पचास प्रश्न है फ्रेंड्स और ये हिंदी का लास्ट प्रैक्टिस सेट है क्योंकि कल आपका एग्जाम है फ्रेंड्स तो एग्जाम देने के पहले एक बार हिंदी को जरूर देख लीजिएगा हिंदी से दस प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स यानी टोटल चालीस नंबर का ठीक है इसलिए इसे नजर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं तो चलिए फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को जरूर दबाए फ्रेंड्स ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कहा निर्देश क्या दिया हुआ यहाँ पे प्रश्न एक से दस तक में प्रत्येक प्रश्न में समास के चार विकल्प दिए हुए हैं सही विकल्प का चयन करना है ठीक है फ्रेंड्स तो धन ही नहीं तो धन ही नहीं जो कौन सा समास होगा देखिए फ्रेंड्स कॉमन सेंस लगाएगा इसमें देखिए चिन्ह इसको जो विग्रह करेगा फ्रेंड्स धन से ही नानी तत्पुरुष का चिन्ह आ रहा है तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा पहला का भी हो जाएगा उसी तरह से देखिए स्वर्ग स्वर्ग गत है यानी स्वर्ग से गत का होता है इसमें भी आ रहा है फ्रेंड्स आपका विभक्ति का चिन्ह ठीक है इसका तत्पुरुष का तो सवाल नंबर दो का है जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यही ठीक है तत्पुरुष समाज है स्वर्ग गर्थ है जो भी तत्पुरुष समाज का उदाहरण है चलिए फ्रेंड्स अगला है पुस्तकालय देखिए पुस्तकालय का जब विग्रह करिएगा फ्रेंड्स तो पुस्तक के लिए आलय ठीक है ये भी देखिए किसके अंतर्गत आ जाएगा तो तीन के ये भी आपका तत्पुरुष हो जाएगा तो इसी तरह से आपको पकड़ना है ठीक फ्रेंड्स जैसे रसोई घर तो रसोई के लिए घर देखिए आ रहा है उसमें चिन्ह तो भी तत्पुरुष हो जाएगा ठीक है विद्यालय विद्या के लिए आलय वो भी हो जाएगा तत्पुरुष में पुस्तकालय पुस्तक के लिए आलय तो इस तरह से आपको पकड़ना है ठीक फ्रेंड्स तभी आप वहाँ पे एग्जाम में सही बना सकते हैं ठीक है अब अगला देखिए दशानन है तो दशानन फ्रेंड्स तो दशानन कहते हैं तो किसका कि बोध होता है जैसे दशानन अर्थात रावण तो इस टाइप का जो भी आएगा फ्रेंड्स जैसे नीलकंठ अर्थात आपका शंकर भगवान तो इस टाइप का जब आएगा फ्रेंड्स तो उसको बहुब्रिय समाज के अंतर्गत आ जाता है दशानन हो जाएगा आपका बहुब्रिय समाज दशानन अर्थात रावण ठीक है फ्रेंड्स उसी तरह से त्रिलोचन देखिए पांच का त्रिलोचन है फ्रेंड्स तो त्रिलोचन किसे कहते हैं शंकर भगवान को कहा जाता है उनका तीन नयन है ठीक है फ्रेंड्स त्रिलोचन यानी त्रिलोचन अर्थात शंकर भगवान यानी बहुब्रीय समाज के अंतर्गत आ जाएगा तो इस तरह से पकड़ने की कोशिश करें तो पाँच का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बहुब्रिय समास अब देखिए अगला है फ्रेंड्स कमल नयन ठीक है तो देखिए कमल नयन फ्रेंड्स आपको देखिए ऑप्शन से भी छाट सकते हैं तत्पुरुष तो हो नहीं सकता फ्रेंड्स इसमें विग्रह करने पर नहीं आ रहा है दिग्गू भी नहीं होगा फ्रेंड्स द्वंद्व भी नहीं होगा तो बच गया कौन सा फ्रेंड्स आपका कर्मधारित तो इसी तरह से छाटना है अब देखिए किसी तरह से छाटना फ्रेंड्स जैसे कि द्वंद समास है जो फ्रेंड्स इसमें जैसे लोटा डोरी इसमें संयुक्त वर्ड आता है ठीक है लोटा डोरी अन्न जल ठीक है भाई बहन ये द्वंद के उदाहरण है और दिग्गु समास में क्या होता है फ्रेंड्स कि दिग्गू में पहला जो शब्द होता है संख्यावाचक होता है तो देखिए छठ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स तो इससे छठ गया द्वंद भी नहीं हो सकता है भी नहीं हो जाता तत्पुरुष नहीं तो बच गया कौन सा कर्मधारी तो इसी तरह से आपको एग्जाम में या कॉमन सेंस लगाना है कि किस तरह से हमको विकल्प से भी आंसर छाट सकते हैं जैसे मैंने अभी छाटा तो कमल लेन हो गया कर्मधारी का अब देखिए फ्रेंड्स अभी बताया अण देखिए अण रात दिन भाई बहन लोटा डोरी जो भी आएगा फ्रेंड्स तो देखिए तो जैसे द्वंद्व है दो शब्द आ रहा है लगे लगे सटे सटे दो शब्द आ रहा है इसको आप इस तरह से पकड़ लीजिएगा तो अन्य जल हो गया क्या द्वंद्व समास का उदाहरण है लोटा डोरी किसका उदाहरण है द्वंद ससन भाई बहन किसका है ध्वंद रात दिन किसका है तो ध्वंद दाल रोटी किसका है ध्वंद समास का आप समझ गए फ्रेंड्स जहाँ पर देखिए इस टाइप से हाइफन टाइप के हाइफन रहेगा बीच में तो द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएगा तो सवाल नंबर सात का ए ठीक है फ्रेंड्स तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा देखिए फ्रेंड अष्टाध्याय तो अष्टाध्याय देखिए फ्रेंड्स इसका अष्ट अष्ट आठ देखिए इसमें आ रहा है फ्रेंड्स आपका संख्या वाचक हो रहा है तब तो जब बताया अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि जो संख्या वाचक आएगा तो क्या हो जाएगा दिग्गू समाज का उदाहरण हो जाएगा आठ का राइट आंसर ये हो जाएगा चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर नौ और दस देखिए इसका ट्रिक से बता देता हूँ हमेशा ये दोनों याद रखिए फ्रेंड्स पूछा जाता है यथासंभव यथासंभव देखिए यश यथासंभव यश अवयविभाव अभ, बैठ जाता है कि नहीं फ्रेंड्स तो जब भी अब यथासंभव इस तरह से याद कर लें इसको रट ले फ्रेंड्स यथासंभव या यानी अवयविभाव ठीक है ये हो गया भर पेट तो भर पेट फ्रेंड्स तो भाव कब आता है जब पेट भरा रहता है यानी ये भी अवयवी भाव है तो देखिए भर पेट अवयवी भाव है इनको, मैं तो इस तरह से इसको याद रखता हूँ फ्रेंड्स भर पेट यानी पेट भरा रहेगा तभी है जो भाव आएगा मन में भाव आएगा तो देखिए कभी भूलिएगा भर पेट कौन सा है यानी भर पेट भाव कब आएगा जब पेट भरा रहेगा तो इस तरह से कुछ तुक्का भिड़ा लीजिए यथासंभव यवी भाव बैठ जा रहा है अब भर पेट भाव कब आएगा जब पेट भरा रहेगा तो दस का भी हो जाएगा नौ का भी ए हो जाएगा फ्रेंड्स अवैविभाव और दस का भी हो जाएगा अवैभाव ठीक है फ्रेंड्स तो इस तरह से आपके एग्जाम में अगर समाज से प्रश्न पूछेगा फ्रेंड्स जरूर पूछेगा फ्रेंड्स तो आप बना लीजिएगा अब देखिए फ्रेंड्स आपका पर्यावाचीय शब्द को याद करना है ग्यारह से बीस तक निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के पर्यावाची रूप में चार विकल्प दिए हैं उनमें से केवल एक सही है ठीक है फ्रेंड्स तीन गलत है और एक सही है उसी सही को पर्यावाची शब्द को चयन करना है तो चलिए सवाल नंबर ग्यारह को देखते हैं कि पौधा पौधा का क्या होता है पर्यावरचित सब फ्रेंड्स तो देखिए पेड़ वृक्ष बिटप ये सब नहीं होगा ठीक फ्रेंड्स पौधा को पादप कहा जाता है पौधा का जो सही पर्यावरचित शब्द है जो आपका पादप होता है ये आपका हो गया पेड़ वृक्ष बिटप यह हो गया अलग हो गया ठीक फ्रेंड्स पादप मीन्स पौधा अगला सवाल है फ्रेंड्स सवाल नंबर बारह को देखें ज्योत्सना ठीक है फ्रेंड्स ज्योत्सना का पर्यावाची क्या होता है चांदनी होता है ठीक फ्रेंड्स तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चांदनी हो जाएगा ज्योत्सना का चांदनी हो जाएगा अगला है फ्रेंड्स आपका पहाड़ पाहाड। पहाड़ को क्या कहते हैं फ्रेंड्स गिस्क करें तो तेरा का क्या होगा गिरी गिरी मतलब क्या होता है पर्वत यानी पहाड़ होता है यानी पहाड़ का है जो ये पर्यावरची शब्द है अगला है फ्रेंड्स वार्ता वार्ता का मतलब क्या होता है विवाद तो नहीं होगा फ्रेंड्स संवाद होगा नहीं होगा बहस होगा नहीं होगा बातचीत होता है यानी वार्ता हुई यानी बातचीत हुई तो वार्ता का समानार्थी शब्द हो गया बातचीत हो गया अगला अमृत है इसका आप लोग बताएं फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आप सही करेंगे आप लोग अमृत किसे कहा जाता है तो पीयूष मतलब अमृत होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सवाल नंबर सोलह इसका भी आप लोग सही करें अग्नि अग्नि का क्या होगा अनिल मतलब तो हवा होता है तो ये नहीं होगा फ्रेंड्स धूम भी नहीं होगा अनल मतलब आग होता है ठीक है आग या अग्नि तो सोलह का ए हो जाएगा अगला है फ्रेंड्स ईर्ष्या जिसके कॉमन सेंस लगाए ईर्ष्या का पर्यावरचित शब्द क्या होगा देखिए तो ईर्ष्या यानी घृणा होता है कहता है ना डाह हो रहा है पेट में डाह हो रहा है जलन हो रहा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है कि जलन होना ईशिया होना सत्रह का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर अठारह को देखिए अभिष्ट अभिष्ट इसका क्या होगा फ्रेंड्स गिस करें तो सवाल नंबर अट्ठारह का हो जाएगा फ्रेंड्स अभिष्ट का जो समानार्थी शब्द है वांछित होगा यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल उन्नीस नंबर को देखिए फ्रेंड्स की मेघावी मेघावी सॉरी मेधावी मेधावी का क्या होता है गेसकर उन्नीस को तो फ्रेंड्स तो मेधावी को मतलब कि तेज होता है फ्रेंड्स यानी कि प्रतिभाशाली मेघावी मेधावी छात्र प्रतिभाशाली तो छात्र यानी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा बीस में यथार्थ यथार्थ का पर्यावरचित शब्द क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यथार्थ मतलब होता है रियलिटी होता है यानी ठीक है यानी वास्तविकता होता है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा देखिए फ्रेंड्स ये जो प्रैक्टिस सेट में जो दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका पूरा चुन चुन कर करके मतलब एक अच्छा अच्छा जो पूछा है एग्जाम में फ्रेंड्स वही दिया हुआ है तो ये सबको फ्रेंड्स आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा अब देखिए फ्रेंड्स आपका है इक्कीस से लेकर के तीस तक में नीचे दिए गए शब्द के चार विकल्प दिए गए हैं इनमें से केवल एक ही शब्द विलोम है सही विलोम का चयन करिए ठीक है फ्रेंड्स यानी कि इसमें एक है जो इसका विलोम शब्द इसका सही है बाकी तीन गलत है तो गेस करते चलेगा इक्कीस का क्या है फ्रेंड्स कि अनायास अनायास का आपका जो अपोजिट होगा यानी विलोम शब्द होगा क्या होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखते चलेगा अनायास का होता है सायास होता है याद कर ले फ्रेंड्स अनायास का सायास उसके बाद में बाईस का है फ्रेंड्स आपका हरास है ठीक है

तो संग्रह का हो जाएगा आपका संग्रह मतलब इकट्ठा करना आने के आप आ रहा है ठीक है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका त्याग होता है ठीक है सवाल नंबर तेईस का संग्रह का याद रखिएगा विलोम शब्द इसमें है जो राइट आंसर डी होगा त्याग होगा ठीक है विग्रह तो समाज का विग्रह होता है ठीक है फ्रेंड्स संग्रह का नहीं होता है ये सब ये सब है जो गलत इसका ऑप्शन है इसका जो विलोम शब्द होगा जो आपका त्याग होगा संग्रह मैंने मतलब कि इकट्ठा करना त्याग मतलब जाना संग्रह मतलब कि आ रहा है फ्रेंड्स और त्याग मतलब जा रहा है इस टाइप से होगा तो संग्रह का त्याग हो जाएगा

सामूहिक का विलोम शब्द क्या होगा तो व्यक्तिगत हो जाएगा अगला फ्रेंड्स आपका आदर्श आदर्श का विलोम शब्द क्या होगा गेस करे फ्रेंस सवाल नंबर छब्बीस का तो आदर्श का जो विलोम शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यथार्थ हो जाएगा ठीक है सवाल नंबर छब्बीस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चलिए सवाल नंबर सत्ताईस को देखते हैं सवाल नंबर सताइस है संकल्प संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा तो संकल्प का विलोम शब्द आपका हो जाएगा विकल्प हो, हो, तो हो जाएगा ठीक है क्या होगा गेस करें तो श्वेत मतलब हो जाएगा आपका तो श्याम मतलब हो जाएगा ठीक फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है श्वेत का जो विलोम शब्द हो जाएगा जो श्याम हो जाएगा अठाईस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा श्वेत का श्याम अगला है फ्रेंड्स सूक्ष्म मतलब क्या होता है फ्रेंड्स छोटा होता है इसका क्या होगा गेस करें बहुत इंपॉर्टेंट है पता नहीं कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है विलोम शब्द तो सूक्ष्म का स्थूल होता है स्थूल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स बड़ा होता है याद रखिएगा ये जो स्थूल है आपका इसको मीन्स क्या होता है तो बड़ा होता है तो सूक्ष्म का जो विलोम शब्द होता है जो स्थूल होता है ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि आप लोग जल्दी जल्दी में देखिए किस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है कि सूक्ष्म का है तो छोटा होता है तो बड़ा मार देंगे या तो मोटा मार देंगे या सूक्ष्म मतलब छोटा है तो विशाल मार देंगे देखिए कितना सटा करके ऑब्ज ऑप्शन दिया हुआ है तो ये सब देखिए ध्यान से याद कर लीजिए सूक्ष्म का क्या होता है स्थूल होता है तो जल्दी जल्दी में सब गड़बड़ होता है फ्रेंड्स तो सूक्ष्म का स्थूल हो गया चलिए सवाल नंबर तीस को देखते हैं समर्थन का क्या होगा विलोम शब्द तीस का समर्थन का क्या होता है समर्थन सपोर्ट का विरोध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अब इकतीस से चालीस क्या है फ्रेंड्स के नीचे एक शब्द की वर्तनी के चार रूप दिए हैं उनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन के यानी आशीर्वाद कैसे लिखाएगा देखिए हो सकता है वह प्रश्न आपको पूछा जाए फ्रेंड्स सवाल नंबर इकतीस का क्योंकि वर्तनी से भी एक शब्द रहेगा आशीर्वाद कैसे लिखाएगा इस तरह से लिखाएगा ये प्रश्न देखिए स्त्रीलिंग कवित्री होता है कवित्री किस तरह से लिखाएगा बत्तीस तो का होता है, तो इसका किस तरह से लिखाएगा? आप लोग ये फिर मैं बताता हूँ सही आंसर इस तरह से लिखाएगा इस तरह से इस तरह से या इस तरह से कवित्री कवित्री इस तरह से लिखाता है ठीक फ्रेंड्स यानी ऑप्शन नंबर बी का राइट है सवाल नंबर तेतीस को देखिए फ्रेंड्स कि कर्तव्य किस तरह से लिखाएगा तेतीस का शुद्ध वर्तनी छाटना है पूरा बदल दिया है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तेतीस नंबर सवाल हम लोग देखे फ्रेंड्स चौतीस से देखते हैं ठीक है चौतीस में देखिए फ्रेंड्स चौतीस में ऐतिहासिक किस तरह से लिखाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है सब एक एक प्रश्न इसका इंपॉर्टेंट है ठीक है और देखिए फ्रेंड्स इसके बाद में आपका जो बिहार पुलिस का है जो आप लोग फॉर्म भरे होंगे फ्रेंड्स तो हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़े रहेगा फ्रेंड्स क्योंकि आप लोग को सपोर्ट की जरूरत है ठीक है फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट करिएगा तो फिर मैं फ्रेंड्स आपको अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराता रहूँगा और हिंदी का फ्रेंड्स इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा फ्रेंड्स टोटल हम पचालीस या पचास सेट करवा देंगे फ्रेंड्स ताकि हिंदी से प्रश्न आपको न छूटे तो ऐतिहासिक क्या है फ्रेंड्स ऐतिहासिक किस तरह से लिखाएगा चौतीस का गेस करें ऐतिहासिक देखिए आपका हो जाएगा इस तरह से ठीक है ऑप्शन नंबर ए ध्यान से देखते चलेगा ऐतिहासिक इस तरह से लिखाएगा ठीक है ना कि ऐतिहासिक ऐसे ऊपर में दो एक आर नहीं होगा ठीक है फ्रेंड्स ऊपर में कितना होगा एक ही एक आर होगा तो देखिए बहुत इसी में समझना है फ्रेंड्स ऊपर में क्या होता है एक आर होगा ऐतिहासिक चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर पैंतीस को देखते हैं सवाल नंबर पैंतीस है जो अनुग्रहित किस तरह से लिखाएगा अनुग्रहित इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ठीक है अनुग्रहित इस तरह से लिखा जाएगा छत्तीस को देखिए निरुद्देश किस तरह से लिखा जाएगा सही वर्तनी को छाटना है फ्रेंड्स तो छत्तीस का निरुद्देश्य इस तरह से होता है निरु उद्देश्य होता है देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें देखिए रू में दीर्घुकार है ठीक है इस तरह से दिया हुआ है और निरुद्देश्य मतलब होता है फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पर है जो न्यू है इसमें इस तरह से होगा ठीक है हर्षुकार होता है अब देखिए इसमें दुर्गोकार है ये तो हो ही ना फ्रेंड्स इसमें स गलत हो जा रहा है लेकिन यहाँ पर देखिए डिफरेंस इसमें क्या है फ्रेंड्स ये दोनों में निरुद्देश्य है इस भी है और ये दोनों में डिफरेंट आप देख लें यहाँ पर देखिए किस तरह से है इस तरह से है लेकिन निरुद्देश्य में आपका सिर्फ इस तरह से हर सुकार होगा तो ये सब छोटी छोटी बातें फ्रेंड्स वर्तनी में ध्यान देना पड़ देनी पड़ती है चलिए सवाल नंबर सैंतीस को देखिए फ्रेंड्स की दुरातम्य ठीक है दुरातम्य किस तरह से लिखाएगा तो सैंतीस का सिंपल ऐसी क्लियर पता चल रहा है फ्रेंड्स दुरातम्य इस तरह से होगा शुद्ध वर्तनी ही हो गया ये भी देखिए बहुत बार पूछा है तो अभी देख लेगा अड़तीस का, का राइट आंसर हो जाएगा लिखा जाएगा ध्यान से देख ले लिखा जाएगा अगला सवाल है संस्कृति किस तरह से लिखा जाएगा शुद्ध वर्तनी उनचालीस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा संस्कृति आपका इस तरह से लिखा जाएगा ठीक है संस्कृति चालीस को देखिए फ्रेंड ज्योत्सना किस तरह से लिखाएगा अभी ऊपर लिखा हुआ था ज्योत्सना फ्रेंड्स जिसके मीन्स क्या होता है चांदनी होता है तो चालीस को अभी हम लोग देखिए तो ज्योत्सना इस तरह से लिखा हुआ था ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सवाल नंबर इकतालीस से पचास में क्या है संधि का चयन करना ठीक है फ्रेंड्स तो संधि का चयन करते चलिएगा इकतालीस का क्या होगा फ्रेंड्स देवारचन में कौन सा संधि है इकतालीस का राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी देवारचन देखिए फ्रेंड्स इसको जब संधि विच्छेद करिए देवा आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स आपका स्वर का आ रहा है ठीक है स्वर आ रहा है कि ये स्वर संधि हो जाएगा अब देखिए श्रद्धानंद श्रद्धानंद में कौन सा होगा फ्रेंड्स बयालीस का तो श्रद्धानंद में भी श्रद्धा आ रहा है फ्रेंड्स ठीक है स्वर का मात्रा आ रहा है इसमें भी स्वर संधि हो जाएगा इसी तरह से पकड़ना फ्रेंड्स ग्रिंद्र है फ्रेंड्स इसमें क्या होगा तैतालीस का गिरी ने देखिए गिरी इसमें भी ई आ रहा है ठीक है फ्रेंड्स यानी कि स्वर की मात्रा आ रहा है ये भी इसमें स्वर संधि होगा अब देखिये नवोढ़ नो, नो चौवालीस का न ओढ़ा ओ इसमें भी आ रहा है फ्रेंड्स ओ ठीक है नवोडा तो इसमें भी, भी हो जाएगा स्वर संधि हो जाएगा इसी तरह से आपको पकड़ना है एग्जाम में उसके बाद में फ्रेंड्स लोकेशना लोकेशन लो लौ, लो कैशना ठीक है फ्रेंड्स एक कौन सा संधि के अंतर्गत आएगा पैंतालीस का फ्रेंड्स तो है जो आपको स्वर संधि के अंतर्गत गए आएगा अगला है इसमें भी आ रहा है ये भी स्वर संधि का उदाहरण होगा अगला है फ्रेंस उन्नति उन्नति में कौन सा होगा फ्रेंड्स सैतालीस के देखें उन्नति संयुक्त आ रहा है फ्रेंड्स इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा ठीक है सैतालीस का ए हो जाएगा अड़तालीस को उद्घाटन उद्घाटन में कौन सा संधि होगा फ्रेंड्स उद्घाटन इसमें दे भी देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण है उसके बाद में मनोकूल ठीक है मनोनुकूल मनोनुकूल में कौन सा होगा फ्रेंड्स उनचास का तो मनोनुकूल में भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है उसके बाद में फ्रेंड्स दुशासन दुशासन में कौन सा होगा पचास नंबर सवाल का फ्रेंड्स तो पचास का भी हो जाएगा आपका राइट सेंडर दुह जोड़ शासन देखिए इसको जब संधि विच्छेद करिएगा तो दुह जोड़ होगा ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका विसर्ग आ रहा है इसका संधि विच्छेद किया दुशासन ठीक है तो इसे हो जाएगा जो विसर्ग संधि तो बहुत सा ऐसा शब्द है फ्रेंड्स जिसको संधि विच्छेद करने पर आपको पता चल जाता है कहाँ विसर्ग आता है तो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा इसमें देखिए फ्रेंड्स जो जो एक एक पॉइंट एक एक जो भी शब्द दिया हुआ था फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स एक और मैं वीडियो अपलोड करूँगा फ्रेंड्स एक घंटा के बाद में ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद आप लोग कल जा करके इतमिन से एग्जाम दीजिएगा ठीक फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहेगा फ्रेंड्स कमेंट करके बताते रहेगा फ्रेंड्स कि क्या चीज़ की तैयारी करना है फ्रेंड्स और कौन सा प्रैक्टिस सेट अब आप लोग को चाहिए फ्रेंड्स इसके साथ फ्रेंड्स जो वेबसाइट है उस पर तैयार किया जा रहा है फ्रेंड्स उसमें आपको सारा मटेरियल सारा पी उसमें प्रोवाइड करा जाएगा फ्रेंड्स और एक्स्ट्रा उसमें अच्छे अच्छे पोस्ट लिखे जाएंगे फ्रेंड्स जो आपको सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड्स तो वेबसाइट पर जाते हैं फ्रेंड्स तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण बुनियो का उसको भी पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा ठीक फ्रेंड्स तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं देखने के लिए थैंक यू धन्यवाद